टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। संसद में स्मोक अटैक की जांच में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अलग अलग राज्यों के रहने वाले और अलग अलग तरह का काम करने वाले ये चारों लोग आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इनका मकसद क्या था। दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। मथुरा की शादी ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है। महाराष्ट्र में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में निर्माणाधीन सील 11 सुरंग के ढहने के कारण की जांच करने और सुरंग ढहने या सुरंग निर्माण के मामले में मानव संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन करने के मकसद से एसओपी संबंधी सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। बुधवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम फटने की जानकारी मिली है। किसी भी हॉस्टल के रूम नंबर 68 में बम फटने की घटना हुई है। पुलिस की जांच के मुताबिक छात्र प्रभात यादव कमरे में देसी बम बना रहा था। इसी दौरान यह बम फट गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को SRN हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले नीलम आजाद पुलिस की गिरफ्त में है। नीलम ने बुधवार को संसद के बाहर केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया था। हालांकि नीलम की गिरफ्तारी से किसान नेता नाराज है, वे नीलम की रिहाई की मांग कर रहे हैं। 22 साल बाद दो लोग बकायदा दर्शक दीर्घा के जरिए लोकसभा में दाखिल हुए। कलर स्मोक स्टिक से पूरे सदन को धुआं धुआं कर दिया। इस हमले में भले ही किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से भारत के अतीत के पन्नों में दर्ज जख्मों को हरा कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कमान नए चेहरों के हाथों में दी है। एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को सीएम बनाया गया है। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह का क्या होगा, पार्टी में उनका क्या भविष्य होगा। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर कल बुधवार की से हर ओर चर्चाएं हैं। भारत सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप तो है ही, सरकार जांच की बात कहे फिलहाल पल्ला झाड़ रही है। सरकार ने हालांकि कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल में जरूरी बदलाव भी कर दिए हैं। नई व्यवस्था किस तरह बदल गई है ये देखना दिलचस्प होगा। संसद की सुरक्षा में चूक में संसद में घुसपैठ करने के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि छठे आरोपी की तलाश जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार को इस घटना ने 22 साल पहले पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया है। बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जनसेवा आने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मराठा विरोधी के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की जा सकती है। भुजबल के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। विदेश भेजने और नौकरी देने का झूठा दिलासा देकर पैसे ठगने के लिए एक नए गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई पुलिस से लूट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दो भाइयों के साथ जब ऐसी घटना हुई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसके बाद पूरे गिरोह के बारे में मालूम करा। पुलिस ने हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और पुणे से ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में पुलिस ने एक ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दो बेटों ने मिलकर अपने ही माँ बाप और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों का पिता जादू टोना करता था, जिसे गांव में उसकी बदनामी होती थी। इसे परेशान बेटों ने पहले बाप को मारा, फिर माँ और बेटी की भी हत्या कर दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिशा सैलियन की मौत मामले में SIT जांच का ऐलान होने के बाद अब BMC के पिछले 25 सालों के कामकाज ऑडिट कराने का ऐलान हुआ है। यह तकरीबन 30 साल से शिवसेना काबिज है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल अपने ओपनिंग डे से ही लगातार कमाई के आंकड़े तोड़ रही है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार अब पहले से थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अब भी सिर्फ एनिमल फिल्म चल रही है। अब हाल ही में फिल्म के 13वें दिन का भी कलेक्शन जारी हो गया है। सलमान खान के वीकेंड का वार में हमें हर हफ्ते बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के फैशन का जलवा देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंड ने लगभग 200 कपड़े लेकर बिग बॉस के घर में पहुंची है। सूत्रों की माने तो हाल ही में अपने कपड़ों को लेकर गुम है किसी के प्यार में फेम ऐश्वर्या शर्मा ने बिग बॉस के घर में खूब हंगामा किया है। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई तमन्ना भाटे की वेब सीरीज आखिर सच को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन अब ये सीरीज के प्रोड्यूसर्स में आपस में विवाद शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले शो से जुड़े एक प्रोड्यूसर निखिल नंदा ने प्रीति सिमंस और नीति सिमंस के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
साल का अंत भी धमाकेदार होने वाला है। दो बड़ी फिल्मों की जंग में प्रभास या शाहरुख खान कौन बाजी मारेगा, ये जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। लेकिन रिलीज से 9 दिन पहले सालार की कहानी पता लग गई है। इसे बताने वाला और कोई नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सालार सिर्फ एक्शन थ्रिलर है तो आप सस्पेंस में है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर ये लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।